हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश। आप देख रहे हैं टेक्निकल रुपेश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इंटरनेशिया कंपनी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, और इसका जो ब्रांड है वो है हमारा एंगुलर, ओके। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि एंगुलर कंपनी में मतलब काम क्या होता है, ओके। तो मैंने उसमें बता दिया था कि काम आपको मतलब कॉलिंग करनी है, बंदों को इन्विटेशन भेजना है, इन्विटेशन लगाने के बाद आपको उसको मतलब ट्रेनिंग लगवानी है लड़के को, और ट्रेनिंग लगवाने के बाद उसकी ज्वाइनिंग करवानी है, ओके। तो इतना सारा तो समझ गए थे, बट फिर भी बंदे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर इतने सारे बंदे भर्ती करके क्या करवाएंगे। भाई तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको इतने सारे बंदे ज्वाइनिंग करवाने के बाद ये कंपनी आपसे क्या काम करवाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पर सभी को मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इंडोनेशिया कंपनी है जिसका ब्रांड है एंगुलर, ओके, तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मैंने उस वीडियो में भी आपको एक बार क्लियर कर दिया था और फिर मैं दोबारा से यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ। तो इसमें काम ही यही होता है कि मतलब लड़कों को बुलाना है आपको, ओके। बुलाने के बाद उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग लगवानी है, ट्रेनिंग लगवाने के बाद जो भी बंदा इंटरेस्टेड है उसे मतलब इसमें जो रैंक होती है उस रैंक के अकॉर्डिंग वो इसे ज्वाइन कर सकता है कंपनी को, ओके। एंड ज्वाइन करने के बाद भी मतलब उसको भी यही काम करना है कि बंदों को बुलाना है, उसकी ट्रेनिंग लगवानी है, ट्रेनिंग लगवाने के बाद उसे मतलब प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद उसे जो प्लान अच्छा लगता है उस प्लान से वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद है वो मतलब ज्वाइन मतलब सेम काम करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे बंद हो जाएंगे फिर मतलब सर्विस सेंटर जो सर्विस सेंटर नहीं ट्रेनिंग सेंटर होता है वो ट्रेनिंग सेंटर तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसमें 1000 या 2000 बंदे आ जाएं, बट इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो इतने सारे बंदे हो जाते हैं तो उनका उसके बाद क्या होता होगा वो भी मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा रूम है ये एक मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, ओके। इसमें जो कैपेसिटी है यहाँ पे 50 लोगों की है। अब 50 लोगों की कैपेसिटी है इसमें तो क्या हो गया, 50 लोग ज्वाइन हो गए, एंड इसमें मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 75 की है, ओके। अब 75 की है और वैसे नॉर्मल जो कैपेसिटी है इसकी 50 की है, ओके। तो अब जैसे ही 75 बंदे हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, एक नया ब्रांच में जाके यानी कि किसी दूसरी जगह जाके एक सर्विस सेंटर को ओपन कर लेते हैं, जो भी उसके सुपर सीनियर होते हैं, मार्क्यूज वगैरह होते हैं इसमें, ओके। तो वो एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर सर्च करेंगे, एंड वो ट्रेनिंग सेंटर में जो जितनी भी उनकी टीम होगी पूरी की पूरी टीम को अपनी ले जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है सुझाव है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, मैं प्रत्येक कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।